हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ हरियालिटीज मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। और जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है, ये वीडियो उनके लिए है। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे इस यूट्यूब पर हरियालिटीज से रिलेटिव, लेकिन आज मैं जो वीडियो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिन्हें मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता, जी हाँ, जिनको मेकअप का ABCDEFG कुछ नहीं पता है, आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और हाँ, आप लोगों को ये मेरी चूड़ी और ये मेरा ब्लाउज कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। आप लोग ये फोटो वाला चूड़ा बनवाना चाहती हूँ, ये देखो मेरे और मेरे हस्बैंड जी की फोटो लगी है। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से बनवाया है, जो है अम्बे लाइफ स्टाइल, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट से मेकअप कर लेते हैं, और ये ब्लाउज भी वहीं का है, तो चलो जल्दी से मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमें लेना बर्फ के टुकड़े, और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी का टाइम है, हरियालिटीज का मेकअप लुक है। और अगर आप लगाओगे, जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है, मैं उनको बताऊँ आप ये लगा लो वो लगा लो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल स्टेप बता रही हूँ। तो ये बर्फ के टुकड़े इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए इस कपड़े में, ये देखिए ये टुकड़ा है, और इस तरीके से आपको बर्फ के टुकड़े इसमें डालने हैं, और बस अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करना है। इससे क्या होंगे, जो भी आपके ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। और जिनकी ऑयली स्किन है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं दीदी हमारी स्किन ऑयली है, यार ऐसा तब होता है ना जब आपके जो स्किन है ना, ये ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं, इनसे पसीना आने लगता है, ऑयल आने लगता है, तो इसको आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। जैसे होता है ना, कुंडी आप जब खोलोगे तभी ताला खुलेगा, है ना, तो अब कुंडी में ताला लगा दोगे तो वो कहाँ से खुलेगा। तो बस वही सिचुएशन है, आपको क्या करना है, इनको जो है ना, इनके जो रोम छिद्र होते हैं उनको बंद कर देना। अब जब वो बंद हो जाएंगे तो आप बताओ पसीना ऑयल कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो बस ये सिंपल सी स्टेप है, इनको फॉलो करना है। फटाफट से हमें 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है, और काफ़ी ठंडक देता है आपके स्किन पे। गर्मी का टाइम है, वैसे भी आप व्रत रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो फटाफट से बस हम मसाज कर लेंगे, और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें मेकअप करना नहीं आता वो ये नहीं कर सकते, इसलिए कर सकते हो, ट्राई तो करो यार। हर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हमारे लिए, लड़कियों के लिए, शादीशुदा होते के लिए, लेकिन हम लोग कर जाते हैं ना, तो इसमें क्या है, आप कोशिश तो करो। तो बस यहाँ पे ये हो गया, अब इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, ठीक है। सो अभी देखो हमारा कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है, और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे। और मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, जो है वाव का, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अगर आपके पास वाव का नहीं है तो आप और कोई भी ले सकते हो वाव का एलोवेरा जेल, मैं ले रही हूँ, आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है आप वो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इतना सा एलोवेरा जेल लूँगी, और आप चाहो तो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिला सकते हो, बट मैं विटामिन ई की कैप्सूल इसलिए नहीं मिला रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, और वो एक अलग सा ग्लो भी देता है और अच्छा भी लगता है, शाइन भी रहता है। लेकिन आप लोग जो है ना, थोड़ा सा गर्मी का टाइम है तो परेशान हो जाओगे, अगर आप पार्टी वगैरह में मेकअप करके जाते और पंखा वगैरह चलता रहता तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब व्रत होना तो फिर आपको इरिटेटिंग होगी, इसलिए मैं इसमें विटामिन ई की कैप्सूल स्किप कर रही हूँ, बस एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अब देखो प्योर एंड नेचुरल है, बिल्कुल वाइट है, तो इसको इस तरीके से अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है ताकि ये क्लियर सी बन जाए। इससे क्या होगी, जब भी हम इसके ऊपर कुछ लगाएंगे तो हमारी स्किन को ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा, प्लस ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है इसीलिए, और हमारी स्किन को स्मूथ भी बनाता है। जब हम फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी लगाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वैसे ये मेकअप लुक है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, उनके लिए अगर आपको नॉलेज है तो आप इसकी जगह मॉइस्चराइजर प्राइमर लगा सकते हो। लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं करना होता है, तो बस ये उनके लिए है। तो अभी मैं अच्छे से मसाज करके इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, 1 से 2 मिनट के लिए, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, चाहे वो 1 मिनट में चाहे वो 2 मिनट में, ठीक है। तो बस अब हम इसको छोड़ देंगे, क्या जाती है किसकी बारी, जी हाँ, ज़्यादा स्टेप मुझे नहीं बताना। फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, 310 मेरा सेड है, आप देख लीजिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो यार फाउंडेशन में, इतने सारे कमेंट आते हैं ना कि मैं रिप्लाई करते करते थक जाती हूँ। आप लोग वीडियो अच्छे से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो लिंक मैं देती हूँ ना, अगर आप उस पर क्लिक करोगे सेम फाउंडेशन ओपन होगा। अगर 310 की मैंने लिंक दी है तो 310 ही ओपन होगा।
अदर कुछ नहीं ओपन होगा तो आप देख लो, 310 है, 310 मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। फाउंडेशन फिटमी का है ये, मिनी आता है और SPF 22। और यार सेट मुझे उतना कंफ्यूज हो गई, मैं आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। ये इवलिन का फिटमी SPF 20 यहाँ पे लिखा, सॉरी 22 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 310 यानी कि 310 फाउंडेशन विथ ऑयल, ऑयली सॉरी विथ ऑयली। तो ये फाउंडेशन है, आप लोग अच्छे से देख लो, अगर आप इसकी जगह कुछ और यूज करना चाहते हो, बस ये नहीं है तो 100 रुपए वाला फाउंडेशन होता है वो भी यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा होता है, दिन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो तीज की पूजा होती है वो शाम ढलते ही टाइम होती है, अंधेरे में नहीं होती, जैसे करवा चौथ की चांद निकले तब होती है, तो आप ये ले सकते हो, बिल्कुल लाइट वेट है। और इसकी जगह आपको लेना है तो आप ब्लू हेवन भी ले सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, और ये है ब्लू हेवन का, ये भी लाइट वेट है बिल्कुल, ये ले सकते हो, ये है और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लूँगी इसकी, ये देखो इतनी क्वांटिटी मैंने ली है, और मैं यहाँ पे आपको हाथ से ही लगा कर बताऊँगी इस तरीके से। मैं इसके ऊपर 2-3 लेयर लगाऊंगी, बट अभी मैं हल्के हल्के से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके लगाऊंगी ताकि ज़्यादा ना हो। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लेकर मैं अप्लाई कर रही हूँ, 2 बार मैंने अप्लाई किया है, थोड़ा थोड़ा सा लेके अच्छे से ताकि ये सेट हो जाए। कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का स्पंज है, ये देखो, ब्यूटी ब्लेंडर मैंने नहीं लिया क्योंकि जिन्हें मेकअप करना नहीं आता उनके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मिलेगा, तो ये है, इसको आप पानी में रखो और इस तरीके से हल्का सा निचोड़ लो, या आपके पास स्पंज मिल जाता है घर में आप वो ले सकते हो। तो ये देखो ये मैंने ले लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन रखूंगी मैं, थोड़ा सा ज़्यादा ये देखो, और इसी से आप चाहो तो इससे भी लगा सकते हो हल्का हल्का सा, जैसे मैंने आपको बताया हल्का हल्का सा बिल्कुल इस तरीके से, आपको इसमें ब्लेंड नहीं करना है, बस इस तरीके से लगाना है हल्के हल्के से बिल्कुल, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है, और इससे आप इजली लगा सकते हो जिन्हें मेकअप करना नहीं है, जैसे आप फेस पाउडर लगाते हो ना, बस समझ लो उस तरीके से आप लगा लीजिएगा, बस रगड़िएगा नहीं, आप रगड़ोगे ना तो रैशेस आ जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ। ये फाउंडेशन हमारा लग चुका है, आप इसकी जगह बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी लगा सकते हो, बिल्कुल लाइट वेट लगाना है। ये रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, और प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पंज जो है, जो इससे लगता है वो गायब है, बाबू मेरी गायब कर देती है, तो इसीलिए मैं ब्रश का यूज कर रही हूँ, और आपको पता है कि जो भी आप कॉम्पैक्ट लगाओ तो उसमें आराम से स्पंज जो होता है वो मिल जाता है, तो आप उससे लगा सकते हो, तो हल्का हल्का सा मैं सेट कर लूँगी क्योंकि कॉम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो बेबी पाउडर या लूज पाउडर जो भी होता है वो आप लगा सकते हो, तो बस मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। अभी मैं लगाने जा रही हूँ आईब्रो पेंसिल, और आईब्रो पेंसिल सभी को लगाना आता है, सभी लोग बहुत ईजिली लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैं आईब्रो पेंसिल का यूज कर रही हूँ, और हल्के हल्के से आपको आईब्रो पेंसिल लगानी है। इसके बाद अभी मैं लगाती हूँ लिप ग्लॉस, ताकि मैं लिपस्टिक लगाऊं तो मेरे जो लिप्स हैं वो ड्राई ना हो, लोगों को बताया था मैं यहाँ पे मेबलिन का काजल लगाती हूँ, तो ये रहा हमारा काजल। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल मैट मेकअप किया क्योंकि ये दिन का मेकअप है, अगर आप ग्लॉसी ग्लॉसी करोगी ना तो दिन में वो अलग सा चमकेगा, इसीलिए मैंने मैट मेकअप लुक क्रिएट किया है, और आप चाहो तो इसी काजल से लाइनर लगा सकते हो, बहुत इजी है, अगर आप नीचे काजल लगा सकते हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, बस आपको क्या करना है ये देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, मैं मिरर में देख कर बताऊँगी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्मच करना है एक लाइन, अगर आप अपने ड्राइंग ली है या कुछ भी लिया है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी ड्राइंग ना की हो, आप इजीली कर सकते हो, लाइनर में क्या होता है वो फैल जाएगा, ये नहीं फैलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ये देखिए
बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है। और अब घबराइएगा नहीं, ये देख रहे हो कितनी इसी तरीके से लग गया है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी यहाँ पे ताकि लुक अच्छा आए। सो ये देखो, अगर आप परेशान होके लगाओगे तो नहीं लगेगा। जिन्हें लाइनर नहीं लगाना था वो ये वाला काजल ले, बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके लिए बेस्ट है। तो अभी हम इस साइड भी ऐसे करेंगे, ये देखो इस साइड मेरी जो आंख है ना ऐसे 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 होती है। तो किस किस की होती है बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। तो देखो लग गया है, थोड़ा सा सेट कर लूं, नीचे नहीं लग पाया, एक बार में ही इधर लग गया, लेकिन नीचे रह गया। ये देखो जिधर ऐसे ऐसे हो रही थी ना उधर तो एक बार में ही लग गया। ये देखो बस हमारा काजल लग चुका है, आप देख सकते हो लुक एकदम डिफरेंट आ गया और ऐसा लग रहा है मैंने कितना अच्छा वाला मेकअप किया है। मुँह मियाँ मिट्टू खुद ही बन रही हूँ। और अभी आ जाती है बिंदी की बारी, बड़ी लग रही है ना, लेकिन अभी मैं चेंज करूँगी, अभी तो लगा ले रही हूँ। चलो लिप लाइनर अप्लाई करने से आपके जो लिपस्टिक है वो कभी भी फैलेंगे नहीं। तो बस अभी हम अप्लाई कर रहे हैं लिप लाइनर और इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे ये लिपस्टिक। और इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है। तो ये रहा पूरा हमारा फाइनल लुक और इसके बाद मैं लगा लूँगी कजरा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नेकलेस वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, जैसे नॉर्मली लोग रेडी होते हैं वैसे ही मैं रेडी हुई हूँ, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मंगलसूत्र एयररिंग्स मैंने पहन ली है, अगर आप चाहते हो तो गजरा लगा सकते हो। बस मैंने ऐसी लगा लिया, मेरा दिल किया, वरना मैं गजरा नहीं लगाने वाली थी। तो कैसा लग रहा मेरा पूरा फाइनल लुक बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने बड़ी छोटी दोनों तरह की ही बिंदी लगाई थी, बट मैं आप लोगों के साथ सिर्फ बड़ी बिंदी वाला ही लुक शेयर कर रही हूँ। और सर पे पल्लू रख के भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कैसा लग रहा है। क्लोज़अप मैंने बहुत सारा ले लिया था, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं फटाफट से कर लो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी रील्स बनाई है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आपको ये चूड़ा लेना है और ये ब्लाउज़ लेना है तो पेज का नाम है, इंस्टाग्राम पेज का नाम है अम्बे लाइफ स्टाइल, जिसकी लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप बाय करने में इंटरेस्ट रखते हो सो आप ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक।